आपको यहाँ? अब तुम कॉल्स नहीं उठाओगी, रिप्लाई नहीं करोगी तो यहीं पे आना पड़ेगा ना मुझे। वैसे मैंने सोचा था घर चला जाता हूँ, फिर मैंने कहा कि चलो ड्रॉप कर दूंगा। अब इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना मेरी। और मेरे बड़े भाई कहते हैं कि मर्द को औरत की हर खुशी के बारे में पता होना चाहिए, बड़ी हो या छोटी। जिम्मेदारी, खुशी, वाह आप तो बड़ी फिल्मी लाइंस मारते हैं। वैसे इतना सब कैसे अज्यूम कर लिया आपने? दिन में ख्वाब देखते हैं, रात में सोते नहीं है क्या? सोता हूँ, बिल्कुल सोता हूँ। प्लीज नो, आई सेड प्लीज, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मुझे मतलब पता है इसका, लेकिन मुझे आपकी हरकत अच्छी नहीं लगी। आपको मेरी सारी हरकतें पसंद आने लग जाएंगी, बस आखिरी दफा 2 मिनट के लिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाए। पता है उसके बाद फिर आप मुझे खुद कॉल किया करेंगे और कहा करेंगे कि समीर तुम मुझे अभी तक पिक करने क्यों नहीं आए। ट्रस्ट मी। मामू की लाडली और उसका लाडला, वाह ये तो कमाल हो गया। अल्लाह भी कैसे कैसे मुझ पर मेहरबान हो जाता है। इतनी खुशफहमी क्यों है आपको? खुशफहमी नहीं, सत्य यकीन है। अपनी बातों पे यकीन है, अपने दिल पे यकीन है, अपने दिल की आवाज पे यकीन। या अल्लाह। अच्छा सर, आप सिर्फ बातें ही करते रहते हैं या कोई काम भी करते हैं, मतलब कोई जॉब या नहीं? बिल्कुल, अभी तो सिर्फ MBA की है, जॉब के सिलसिले में ही यहां पर आया था। फिर बड़े भाई ने कहा कि जब अपना खुद का बिजनेस है तो जॉब क्यों करनी है। बस नेक्स्ट वीक से उनका ऑफिस ज्वाइन करूंगा, फिर आप मुझे खुद भी कॉल करेंगी तो आई प्रॉमिस मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। मैं आपको कॉल करूंगी, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही होगा क्योंकि जब आप मुझे याद करेंगी तो आप मुझे कॉल भी करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लिख ले मेरी बात, ऐसा ही होगा।